girl, let's have a party. You my girl, let's have a party. Come on, yes, body. Hey, my love, come on. Come on. Yes, yes. कब तक चलेगा ये सब? क्या मेरी मोहब्बत मरते दम तक चलेगी जान तुमसे? बातें नहीं बनाया करो, तुम जानते हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओहो, मेरा मूड ऑफ नहीं करो सारा, इधर आओ मेरी बाहों में आओ, कम ऑन। नहीं, पहले ये बताओ तुम उस नच्चड़ी बीवी से कब जान छुड़वा रहे हो? ओहो, किसका नाम ले लिया तुमने, सारा मूड ऑफ कर रही हो। सब बहाने, अगर इतनी बुरी लगती है वो तो उसे छोड़ के नहीं देते तुम? मेरा बस चले तो मैं उसे अभी तलाक दे दूं। तो दे दो ना तलाक, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। घटिया औरत के साथ मेरे घर में अयाशी कर रहे हो? ये घर मेरा है। अच्छा, तो इसे ये कहकर तुम यहां लाए? तो सुनो तुम, ये घर मेरा है। जान, ये घर मैंने इसे लेके दिया था और मैं तुम्हें भी बना दूंगा। पहली बात, घर जिसके नाम हो वही उस घर का मालिक होता है, और अगर ये अपने लिए घर बना सकता तो मेरे सर पे इस तरह सवार ना होता। तुम खामोश हो जाओ इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। उठाओ हाथ, मैं कहती हूँ उठाओ हाथ। अगर मैंने भी तुम्हें जेल की हवा ना खिलाई ना तो मेरा नाम भी महेश नहीं। और तुम निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमसे तलाक। ऐसे तो नहीं देने वाला तुम्हें मैं तलाक। We will see. एक तो इस घर में पानी भी नहीं मिलता। अच्छा। तो तुम्हें पता है तुम इतनी प्यारी बातें करती हो, मेरा दिल करता है मैं बस तुम्हें ही सुनती रहूं। ये किसका नाम ले लिया तुमने? उसे अपनी घटिया गर्लफ्रेंड्स और बकवास फिल्मों से फुर्सत हो तो मेरा पूछेगा ना, और वैसे भी मुझे उसका कोई डर नहीं। शोहर माय फुट, मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने उसे शादी की। मेरा फोन वापस करो। क्यों? मैं भी तो देखूं तुम अपने किस यार से बात कर रही हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी तरह घटिया है। अच्छा, यार नहीं तो अपने भाई से बातें कर रही थी तुम? मैं जिस मर्जी से बात करूं तुम्हें इससे मतलब? मतलब है मुझे। तुम थी क्या एक मामूली सी नर्स, और तुम्हें मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया, और बदले में तुम क्या दे सकी मुझे? हाँ, औलाद तक तो दे ना सकी तुम मुझे। तुम जैसे मर्द से मुझे यही तवक्को थी। और तब्रेज साहब, ताली दोनों हाथों से बजती है और औलाद मर्द के नसीब से होती है। अगर यकीन नहीं आता तो कहीं और ट्राई कर लो। तुम अपनी मर्दानगी कहीं और जाके दिखाओ। Thank you.
मेरा जीना अजाब कर दिया इस औरत ने। बस अब बहुत हो गया, मैं इस औरत के साथ और नहीं रह सकता। लेकिन तुम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम उसे अगर तलाक देते हो तो वो तुम्हें घर से निकाल देगी। तो मैं क्या करूं, मैं उसे कत्ल कर देता हूं। कत्ल? सारा मोहल्ला जानता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हो। सीधा शक तुम पर जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, सीरियल किलर। लेकिन ये सीरियल किलर आएगा कहां से? बकवास आइडिया। अगर मैं दो चार लोगों को मार दूं तो शहर में सीरियल किलर मशहूर हो जाएगा, और मौका पाते मैं इस औरत का भी कत्ल कर दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, सारा शक सीरियल किलर पर जाएगा। हाँ, लेकिन तुम मारोगे किसे और क्यों? जो भी हो, मुझे इस औरत से जान छुड़ानी है किसी भी हालत में। लेकिन तुम्हारे पास तो बंदूक तक नहीं, तुम मारोगे किस चीज से और कैसे? हाँ, कुछ ऐसा ढूंढता हूं। सर पर दे मारूंगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर कोई मेरे वार से बच निकला तो इससे मुकाबला कैसे करूंगा? अगर मैं शिकार ही वो ढूंढूं जो कमजोर और नातवा हो तो वाह तबरेज वाह। लगता है आज सूरज मगरिब से निकला है। तुम इतना मुस्कुरा जो रहे हो। और तुम्हें ये मुस्कुराहट तकलीफ दे रही होगी ना? और अब एक ब्रेकिंग न्यूज। कल रात एक 70 साला आदमी को घर में घुसकर बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल सर पर कोई वजनी चीज मारने से किया गया है। मरने वाले शख्स का नाम इशाक खान बताया जा रहा है। हम आपको एक अरे तबरेज, ये वो इरशाद साहब नहीं जो पहले हमारी नेबरहुड में रहते थे? कौन? अरे जिनके बच्चे कनाडा चले गए थे, ये बेचारे तो अकेले रहते थे। तुम जानते हो इन्हें? ओ हाँ, हाँ मैं भूल गया था। भाई जी, मैं तबरेज इरशाद साहब। और तबरेज तुम आज कैसे रास्ता भूल गए? चलो अच्छा किया, गपशप लगाएंगे। ये तन्हाई भी बड़ी जालिम चीज है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं, वो रात को मैंने अपने दोस्त की तरफ जाना है, और तुम मुझे बार बार फोन करके तंग मत करना। तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने दोस्तों के पास जाने लग गए? कल रात भी तुम लेट आए। और तुम्हें बड़ी तकलीफ दे रही होगी ये बात। भला मुझे क्यों तकलीफ होगी? मेरी तरफ से तुम वहां पे शिफ्ट ही हो जाओ। Thank you.
हाय सना, क्या हमारी गली में टीवी पर? मैं देखती हूँ। नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज, आज लाहौर शहर में एक और हादसा हुआ है, उसी इलाके में जहां कल इशाद नामी शख्स का कत्ल हुआ था, आज एक फकीर का कत्ल हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि कत्ल उसी तरीके से किया गया है जिस तरह इरशाद नामी शख्स का कत्ल हुआ था। और पुलिस का कहना यह है कि शायद ये काम किसी सीरियल किलर का है, इसलिए शहरियों को यह पैगाम दिया जाता है कि वो बिला जरूरत घर से ना निकलें। तबरेज़, तबरेज़, क्या बात है? तुम जानते हो ये फकीर हमारी गली के कोने पे बैठा करता था, इसका कत्ल हो गया है। तुम्हारा रिश्तेदार था। तुमसे तो कोई भी बात करना ही फजूल है। मुझे सना ने बताया इसे उसी तरह मारा गया जिस तरह इरशाद साहब को मारा गया। तो मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हारी बारी जो है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। आखिर ये सीरियल किलर है कौन जो एक ही तरीके से सबको कत्ल कर रहा है, पहले इरशाद साहब और अब ये फकीर? मुझे क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि तुम रातों को लेट नाइट तक बाहर रहते हो। अपना ध्यान रखा करो। मेरी फिक्र मत करो तुम। मेरी एक बात मानोगे प्लीज? कौन सी? मेरी फ्रेंड है ना सना, उसके घर पे पार्टी है, तुम मुझे छोड़ दोगे? उसका घर तो पिछली गली में नहीं है, तुम खुद चली जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, और इतने से फासले पे कैब लेने का कोई फायदा नहीं। और अगर मैं चल के गई तो इसमें मेरी भी बेइज्जती है और तुम्हारी भी। मेरी बेइज्जती? वो क्यों? क्या सोचेंगे सब जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारी बीवी पैदल चल के आई है और तुम उसे छोड़ने तक नहीं आए। मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। प्लीज तबरेज, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, मेरी एक बात मान लो प्लीज। अच्छा ठीक है। सच्ची? थैंक यू। इससे अच्छा मौका मुझे मिल भी नहीं सकता। महविश दावत में जाएगी, छोड़ने तो मैं जाऊंगा लेकिन लेने नहीं जाऊंगा। वापसी पर जब वो पैदल आ रही होगी, पास वाली सुनसान गली में इसका काम तमाम कर दूंगा। सबका शक सीरियल किलर पर जाएगा। अगर इसने किसी से लिफ्ट ले ली तो? नहीं नहीं, मैं इसे जानता हूं, इसकी अना एहसान नहीं करने देगी। वो चुपचाप इसी रास्ते से आएगी जो रास्ता काफी सुनसान होता है, वहीं मैं इसका काम तमाम करूंगा और इस हथौड़े को भी किसी जगह गायब कर दूंगा। आज मेरी जान इस औरत से छूट जाएगी। थैंक यू, मेरा मसला हल हो गया। सना ने भी मुझे देख लिया। अच्छा ठीक है यार, जाओ अब। अच्छा सुनो, मैंने जो तुम्हारे लिए कॉफी बना के रखी है तुम याद से पी लेना, ये ना हो कि तुम्हें नींद आ जाए और तुम मुझे लेने भी ना आओ। अच्छा ठीक है, पी लूंगा यार, जाओ तुम। मेरी फेवरेट। चलो आज तुम्हारे हाथ की आखिरी कॉफी भी एंजॉय करते हैं। Mm.
ये मुझे कह रहा है। मेरा हाथ मेरे काबू क्यों नहीं आ रहा? आखिर तुमने कॉफी पी ही ली। फिक्र ना करो, तुम्हें पता है ना मैं एक नर्स हूँ। मैंने जो दवाई इस कॉफी में डाली है ना, इसे तुम मरोगे नहीं, सिर्फ पैरालाइज होगे। और ये दवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डिटेक्ट भी नहीं होगी। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? वेरी बैड। गुस्सा मत करो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ, पता है ना तुम्हें? तुमसे छुटकारा पाने का मैं काफी देर से सोच रही थी। तुम तो भला हो सीरियल किलर का, जिसने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। पहले मैंने सोचा कि किचन में जो रॉड पड़ा है मैं उसे तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन ये हथौड़ा, इससे नहीं मैं तुम्हें खत्म कर सकती। पर ये यहां पर कैसे आया बताओ? तुम मुझे क्या बताओगे? तो बोल ही नहीं सकते। तुम सोच रहे होगे ना मैं पार्टी से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? यही तो मेरा प्लान था। मैं तुम्हारे साथ पार्टी पे इसलिए गई ताकि सबको लगे मैं तुम्हारे साथ आई। पता है पार्टी में सबको लगता है मैं बाथरूम में हूँ, और तुम्हें मारकर मैं वापस पार्टी में शामिल हो जाऊंगी। और जब पार्टी ख़त्म होगी तो मैं अपनी आदत के खिलाफ किसी से लिप ले लूँगी और फिर उसे अंदर आने की दावत दे दूँगी। फिर मेरे अलावा वो भी तुम्हारी मौत का चश्मदीद गवाह बन जाएगा। सारा का सारा ब्लेम सीरियल किलर पे चला जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है ना? अरे अरे अरे, तो रो रहे हो? Don't cry, please don't cry। तुम जानते हो ना तुमने मुझे कितना रुलाया है? चलो मैं तुम्हारी ये तकलीफ भी दूर कर देती हूँ।